हेलो फ्रेंड्स, वैसे आप सब फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ आए जो कि ओरियन का हम टावर कूलर लेकर आए। आपको डेजिट कूलर का डेमो दे ही रखे, प्रसमन कूलर का दे ही रखे, आज हम डेजिट कूलर लेकर आए। डेजिट कूलर का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, कौन सी ब्रांड का है। तो ब्रांड नेम अगर देखा जाए तो महाराजा वाइट लाइन का है, जो कि हम डेजिट कूलर के भी महाराजा वाइट लाइन का ही लेटेस्ट वीडियो बनाए थे। ये आपका महाराजा का टावर कूलर है। टावर कूलर में कितने टैंक कैपेसिटी है, हनीकॉम पैड कितने साइड है, वाट कितना है, साउंड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। बाकी अनबॉक्सिंग करके इसका लुक और डिज़ाइन दिखा देते हैं कैसा है। तो पहले हम ब्रांड नेम की बात किया जाए तो महाराजा वाइट लाइन है। अगर इसकी हम टैंक कैपेसिटी की बात किया जाए तो 54 लीटर इसका टैंक कैपेसिटी है। और इसमें कह रखा है एंटी बैक्टीरिया टैंक। इनके कहने का मतलब है इनके अंदर इन्होंने एक कोटिंग कर रखा जो कि एंटी बैक्टीरिया वायरस इसके टैंक के अंदर नहीं होगा। अगर पानी काफ़ी टाइम भी रह जाता है तो भी यूवी लैम्प जैसे एंटी बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है या मूर्छित कर देता है, वैसे ही इनके टैंक के अंदर एक लेयर बना हुआ है जिसके कारण से एंटी बैक्टीरिया वायरस इनके अंदर नहीं होगा। हनीकॉम पैड के साथ आता है ये हनीकॉम पैड। इनका जो हनीकॉम पैड है एक ब्लॉक डॉट आता है, जो कि ब्लॉक डॉट का मेन बेनिफिट क्या होता है, एयर बाईपास इनसे ज़्यादा होता है। जितना एयर बाईपास सख्त करेगा उतना ज़्यादा ही कूलिंग कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है। लो नॉइस ऑपरेटिंग, लेकिन ऐसा भी इन्होंने जो लिखा है लो नॉइस ऑपरेटिंग ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्लोवर में कभी भी लो नॉइस हो ही नहीं सकता। ब्लोवर में जब भी आप देखो तो हाई नॉइस आता ही आता है। इन्वर्टर से ये तो इन्वर्टर से ऑटोमेटिक चलेगा ही, क्योंकि 160 70 80 200 वाट इजली बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद इसमें इजली चल जाएगा। इसमें ड्राई टू प्रोटेक्शन, इनका जो कहने का मतलब है इनका जो ब्लोवर पावर है एक मोड ड्राई टू प्रोटेक्शन आता है, जिसमें क्या होता है ब्लोवर कुछ भी टाइम पे कुछ भी यूज हो तो उसका क्या होगा, पानी कभी ब्लोवर या फैन उठा ही नहीं सकता, टैंक के अंदर ही रहेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कोई अदर मॉडल आप कूलर चलाते हो पानी भी फैन के थ्रू बाईपास होता है, इस कूलर में ऐसा नहीं होगा। इनको ये लिख के दे दें हाई कूलिंग एफिशिएंसी। इनके कहने का मतलब हम जो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे हनीकॉम पैड का जो डॉट होता है, जो कि स्पेस थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट जो छुपा इनका ज़्यादा है, उससे क्या होगा कूलिंग कैपेसिटी और हाई एयर डिलीवरी बढ़ जाएगा। उसके बाद फोर वे, ये तो बता ही रखे हैं फोर वे क्या होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हवा का जो कि अप डाउन आप मैनुअली करोगे और लेफ्ट राइट जो होगा वो आपका मैनुअल बटन से हो जाएगा। तीसरा इसमें है, इसमें दो मॉडल आता है, एक तो मैनुअल आता है दूसरा रिमोट वाला आता है। आपको जो चाहिए मैनुअल ले लीजिए, रिमोट चाहिए तो रिमोट। तो मैनुअल क्या होता है, मैनुअल इनमें मैक्सिमम 2,000-3,000 प्राइस लो मिल जाता है, और रिमोट वाला क्या होता है 2,000-3,000 प्राइस अप मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद इन्होंने लिख रखा है ब्लोवर फॉर सुपर एयर ड्रेन। तो ब्लोवर को आपको भी पता है कि ब्लोवर में एयर ड्रेन भी ज़्यादा ही होता है। रीजन क्या होता है, पूरा सेक्शन पावर जो ब्लोवर का होता है वो खुला नहीं होता है, पूरा ही वो पैक रहता है चारों साइड से, बीच में एक डॉट रहता है जहाँ से थोड़ा सा सख्त एयर थ्रो बाईपास करता है। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने और दिखाते हैं वीडियो कैसा है, कैसा प्रोडक्ट है और क्या है। तो अनबॉक्सिंग हम पहले ही करके रख रखे थे। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद आपका ये लुक और डिज़ाइन मिलेगा, जो कि महाराजा का है टावर कूलर है। टैंक कैपेसिटी हम बता रखे थे आपको 54 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है। बाकी हम इसका कुछ इमारती वगैरह और रेट वगैरह बता देता हूँ और कितने साल की वारंटी है ये बता देता हूँ। तो पहले हम मॉडल के नाम, मॉडल के बात किया जाए तो CO184 के नाम से इसका मॉडल सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आ जाएगा। एमआरपी की बात किया जाए तो 14,599 इसका बॉक्स की एमआरपी है, जो कि मार्केट में आपको इजीली 8,000-9,000 में अवेलेबल हो जाएगा, ये इजीली आपको मिल जाएगा। टैंक कैपेसिटी आपको बता ही दिए हैं 54 लीटर से 4 ड्रिल्स के साथ आएगा इसमें, और ज़्यादा क्या बताऊँ, बाकी अनबॉक्सिंग करी थी और चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसकी वाट कितना है, 125 वाट का ये मोटर है। तो पहले हम अनबॉक्सिंग करने के बाद हम जो आपको बोल रहे थे, इसका जो एरिया होता है ये सेक्शन पावर पूरा ब्लॉक रहता है, ये साइड तक यहाँ तक आपका सेक्शन पावर ब्लॉक रहता है, बस इतने एरिया खुला रहता है बाकी सेक्शन पावर ब्लॉक रहता है, इसीलिए एयर थ्रो का जो बाईपास होता है वो हाई हो जाता है। तो देखते हैं पहले सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, बाकी ये ओकेट ब्राउन इसका बॉडी है जो कि आपको दिख ही रहा होगा ओकेट ब्राउन। ओकेट ब्राउन से मेन बेनिफिट क्या है, पानी वगैरह जाएगा तो खराब नहीं होगा। पहले हम बैक साइड चलते हैं फिर आपको फ्रंट के बारे में हम कुछ बता देते हैं। तो ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में ये डस्ट फिल्टर है, जिससे ये डस्ट फिल्टर का क्या बेनिफिट है, जो आप देखते होंगे तो फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है। तो डस्ट फिल्टर का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, हनीकॉम पैड की जो होता है लाइफ वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि जितना भी धूल मिट्टी जो भी है वो डस्ट फिल्टर रोक लेता है, उसके बाद हनीकॉम पैड पे जाता है।
जिससे क्या होता है हनीकॉम पेड की लाइफ बढ़ जाती है डस्ट फिल्टर से। तो हमारे मुताबिक अगर कोई भी कूलर आए तो डस्ट फिल्टर के साथ ही आना चाहिए, तो उससे बेनिफिट। आइस चैम्बर है इसके अंदर, अगर एक्स्ट्रा कूलिंग करना हो तो आइस चैम्बर इसके अंदर है, आइस आप डाल सकते हो। बाकी पानी डालना हो तो यहाँ से आप पानी डाल सकते हो, और पानी अगर क्लीन करना हो टैंक के अंदर तो आपको यहाँ एक नॉब दे रखा है, उससे आपको ये नॉब आप इजीली निकाल दीजिएगा, प्लेग जो नॉब है यहाँ से आप तो पानी सारा टैंक के अंदर निकाल सकते हो। और लुक और डिज़ाइन की बात किया जाए तो सिल्वर कोटिंग जो ये बॉर्डर दे रखा है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बाकी जो ऊपर हम आपको दिखाई दिए हैं पॉकेट ब्राउन का जो ये डिज़ाइन है काफ़ी हद तक A1 लग रहा है। तो थोड़ा हम कूलर आपको चला के भी दिखाते हैं और बाकी स्टेप बाय स्टेप डेमो भी आपको दे देते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका इसमें काम क्या क्या होगा। तो बात चलते हैं और बताते हैं आपको इसकी बात और इसकी साउंड क्या है। आपको वीडियो में स्टार्टिंग ही बताए थे इन्होंने, आप बता रखा है कि साउंड लेस है, तो देखते हैं कैसे साउंड लेस। तो इनका जो फर्स्ट स्पीड है ये रहा साउंड, सेकेंड स्पीड का ये रहा साउंड, और थर्ड स्पीड का ये रहा साउंड। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लोवर जो है काफ़ी हद तक दूसरे ब्रांड के ब्लोवर के कंपेयर टू इसका साउंड वास्तविक में बहुत कम है, जो कि ब्लोवर मेडियल केस में ही साउंड कम आता है। 3 स्पीड मोड मिल जाएगा जो फर्स्ट फैन की स्पीड है, उसके बाद दूसरा जो मोड दे रखा है इन्होंने आपको हम दिखा देते हैं, जो ये दूसरा मोड दे रखा है इन्होंने, दूसरा मोड क्या दिया है, फर्स्ट पे ओनली स्विंग होगा, सेकेंड पे स्विंग और मोटर दोनों चलेगा, जो आपको मोटर का पंप का अगर पानी उतारा है तो दोनों चलेगा, और थर्ड पे ओनली मोटर चलेगा, स्विंग नहीं होगा। तो आपको जिससे रखना है तो हमको मेरे हिसाब से तो गर्मी के सीजन में बीच में ही आप रखिएगा, ब्लोवर भी चाहिए, लेफ्ट राइट स्विंग भी चाहिए, और आपको टैंक में पानी भी चाहिए, मोटर भी चलना चाहिए। और फोर वेयर क्या होता है, आप मैनुअली इसको क्या होता है अप डाउन आप मैनुअली कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, और लेफ्ट राइट जो स्विंग होगा ये आपका यहाँ से लेफ्ट राइट स्विंग हो जाएगा, और स्विंग हो भी रहा। बाकी इसमें एक और खासियत है, देखते होंगे कि आप हाँ दूसरे बंदे का एक कॉमेंट आया था जब हम महाराजा का कूलर बताए थे, उन्होंने बोला था इसकी कूलिंग कैपेसिटी 0/0। तो आप जब कोई भी कूलर को एसी से कंपेयर करोगे तो एसी से कंपेयर करोगे तो एसी से कंपेयर करने का कोई बेनिफिट ही नहीं। कूलर को हम लोग वीडियो में स्टार्टिंग ही बनाते हैं, रूम का एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ये नहीं कि कूलिंग चिल्ड कर देगा, रूम का एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा बस, और कुछ नहीं कर पाएगा। रूम का ऐसा टेम्परेचर मेंटेन कर देगा कि आराम से आप रिलैक्स होकर सो सकते हो, लेकिन विंडो ओपन होना चाहिए। और इसमें टावर कूलर में एयरफ्लो बहुत बढ़िया कहीं भी रखी। बाकी इस प्रोडक्ट का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते ही रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो में।